अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अली रजाक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इरशाद ऑफिशियल 99। पाकिस्तानी मिडल आर्डर बैट्समैन शोएब मलिक को सोहेब मकसूद की जगह आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का हिस्सा बना लिया गया है। पाकिस्तानी चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम का कहना है कि सोहेब मकसूद का आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होना अफसोसनाक है। इन्होंने इस इवेंट के लिए कौमी स्क्वाड का हिस्सा बनने के लिए बहुत मेहनत की थी। चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम का कहना है कि इन्हें यकीन है कि सोहेब मकसूद अपना रिहैब प्रोग्राम मुकम्मल करने के बाद जल्द दोबारा कौमी क्रिकेट टीम को दस्तियाब होंगे। टीम मुशावरत के बाद हमने इनकी जगह शोएब मलिक को कौमी स्क्वाड में शामिल किया है। पाकिस्तानी चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम का कहना था कि शोएब मलिक का तजर्बा पाकिस्तानी टीम के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। इससे कबल गुज़िश्ता रोज़ आज़म खान और मोहम्मद हसनैन की जगह विकेट कीपर बैटर सरफराज अहमद और हैदर अली को 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल किया गया था।